वह दुखा सोशल डिस्टेंसिंग ने सोशल अंडरस्टैंडिंग को बगाड़ दिया। मैंने ऐसा महसूस किया कि इस सोशल डिस्टेंसिंग ने हमारे सामाजिक जीवन, हमारे व्यवहार वगैरह पर कौन सा प्रभाव डाला, कैसा प्रभाव डाला, और आगे के जीवन में हम किस रूप में इसको देख सकेंगे अपने दुनिया में, अपने समाज में, व्यवहार में, जीवन शैली। तो अचानक से एक बीमारी, एक कोरोना नामक कीड़ा संपूर्ण विश्व में दौड़ गया और उसने जीवन को इस प्रकार आक्रांत कर लिया कि हम सब हतप्रभ रह गए। अचानक से ना कोई इलाज, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई कुछ भी नहीं, वैक्सीन नहीं, तो हम इससे जूझे कैसे, लड़े कैसे। हम एक प्रयोग करते चले जा रहे हैं और उस प्रयोग के परिणाम देख रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अज्ञात हैं, हम मर रहे हैं और संपूर्ण विश्व इस चपेटे में है। तो ऐसे में एक ही सॉल्यूशन था, एक ही उपाय था कि हम अपने आप को अलग करें। हम एक सूत्र वाक्य को पकड़कर, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग था, हमें अपने आप को अलग थलग करना था, भीड़ से अलग करना था, अलगाव की ओर जाना था। हम भारतवर्ष के लोग जो समाज से जुड़ने की बात करते हैं, साथ रहने की बात करते हैं, उसके लिए डिस्टेंसिंग इतना आसान नहीं था। जैसे कि अंग्रेजी में कुछ शब्द ग्राह्य हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ग्राह्य हो गया, लेकिन हिंदी में अलगाव ग्राह्य नहीं हो पाया। हम समाज से जोड़ने और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, देव की लंका बहाते चलो, जैसे मूल्य बोध लेकर चलते हैं, तो ऐसे में डिस्टेंसिंग ग्राह्य नहीं पड़ा। लेकिन हमें उस सकारात्मक नजरिए से देखने की जरूरत थी, क्योंकि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। हम एक नहीं थे, संपूर्ण ब्रह्मांड इस लड़ाई में अभी जूझ रहा है। ऐसे में यह तो निर्णय लेना ही था कि हमें अपने आप को अलग करना है, और एक एक हम अलग होंगे तो जिससे यह सूत्र टूटेगा, या श्रृंखला टूटेगी, या चेन टूटेगा, और हम इस बीमारी से मुक्त होंगे। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग को हमने स्वीकारा और हिंदी ने भी स्वीकार लिया कि हम अलग होंगे, लेकिन हम शरीर से अलग होंगे। हम शरीर से अलग होंगे, भावनाओं से नहीं, हृदय से नहीं। कैसे अलग हो सकते? हम सब बहुत भावुक लोग होते हैं, हम लोग हृदय प्रधान लोग होते हैं। भारतवर्ष में हमारी जीवन शैली जोड़ कर रखने वाली होती है, वैसे में हम दिल से अलग नहीं हो सकते। तो हमने दिमाग से विचार किया, शरीर को अलग किया, परिवार से अलग किया, समाज से अलग किया, राष्ट्र में अपने आप को अलग थलग किया, और इस अलग थलग करने में बहुत ज़्यादा है। मैंने जो एक नजरिया यह किया कि ये अंडरस्टैंडिंग वो हमने बहुत बढ़ाया है। हम देखते हैं कि इस डिस्टेंसिंग ने जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, वो किस हद तक बढ़ाई कि पड़ोस में पहले कोई छाकर देखता ही नहीं था इधर क्या हो रहा है, लेकिन अब लोग फोन कर कर पूछने लगे हैं भाई आप कैसी हैं, स्वास्थ्य कैसा है, और सिर्फ हम पड़ोसियों से पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष की जो एक संकल्पना थी कुटुंबका, तो आज वसुधा नजर आ रही है। अमेरिका में कहीं कोई मरता है तो हम कलेजे पर हाथ रख लेते हैं, हाय क्या विश्व का रुदन हम सबको जोड़ रहा है। इस जुड़ाव में कैसी अंडरस्टैंडिंग हम देख रहे हैं, हम तुम देखेंगे कि हम किस प्रकार कैसे कैसे डिस्टेंसिंग से अंडरस्टैंडिंग जोड़ गए हैं। मैं तो शिक्षक हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाती रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाती रही हूँ भाई, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद, मुझे विद्यार्थी बहुत पसंद, क्लास लेना बहुत पसंद। ऐसे में उनसे अलग होना बहुत पीड़ादायी था। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जुड़ गए हैं, बच्चों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जब मैं देखती हूँ बहुत बिगड़ है, हम उनके घर तक पहुँच गए हैं, उनके परिवार में पहुँच गए हैं, उनकी हर तकलीफों में हम शेयर कर रहे हैं, और पढ़ाई के मामले में भी हम अच्छे से कर पाते हैं। बच्चे कितना समझ रहे हैं, क्या कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्या कुछ हो गया, परीक्षा के दृष्टिकोण से हम तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों से हमारा जुड़ाव कम नहीं हुआ, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और समझ के आधार पर हम बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। समाज की मैंने बात की, आज हम देखते हैं कि हम कमाने के लिए हमारे मजदूर कमाने के लिए बाहर बाहर गए थे, और लौटने में क्या कुछ हो रहा है।
परसेंट लाएं ये सब देखा करती थी, और अब महिलाएं न्यूज देख रही हैं, कपड़े देख रही हैं, तो ये पूरे विश्व में उनके लोग फैले हुए और उनके लोग संपूर्ण विश्व अब एक हो गए हैं, और हम बहुत मन प्राण से सबके स्वास्थ्य की चिंता करने लगे हैं, तो वो मजदूरों के माध्यम से हमारी पीड़ा व्यापक हो रही है। हम पहले कुछ कृतज्ञ लोग थे, डॉक्टरों से सेवा ले लेते थे, अपनी बीमारी का इलाज किया, पैसे दिए, चलते बने। आज वो डॉक्टरों के लिए हम तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए दीपक जला रहे हैं, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि सचमुच वह भगवान की तरह हाथ उठता है। कोई तो देखते हैं कि कोई डॉक्टर दूर से ही अपनी छोटी सी बेटी को देखता है, पत्नी को परिवार को दूर से देखता है, जा नहीं सकता, वह या तो कैरियर हो सकता है या फिर वो स्वयं आक्रांत हो सकता है, ग्रसित हो सकता है, और किस प्रकार अपनी भावनाओं को जिस प्रकार परीक्षाओं पर मर रहे थे, उसी प्रकार आज डॉक्टर, आज पुलिस पर, आज हमारे ये कोरोना योद्धा मर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग इस डिस्टेंसिंग ने हमारे अंदर पैदा की है कि हम सबके मन भाव समझते हैं, सबके उज्ज्वल भाव ग्रहण करते हैं और विश्व में संपूर्णता से जुड़ रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हमारी यह प्रकृति इस डिस्टेंसिंग ने प्रकृति को क्या कुछ दिया है। अभी अभी डॉक्टर साहिबा ने इतना सुंदर अपनी सूचनाएं हमसे शेयर की, तो आप सोचिए कि इस प्रकृति से डिस्टेंसिंग ने प्रकृति को दे दिया। हम जो बड़े स्वार्थी लोग हो गए थे, पशुओं को काट काट कर खा रहे थे, आज सर्वेक्षण है कि बहुत कम हो गया है पशुपालन, बहुत कम हो गया है मांसाहार। हम पता नहीं कितनी संवेदनशील हो गए हैं कि अब इसको महसूस कर पा रहे हैं वो लोग जो मांसाहारी थे, वो समझते हैं कैसे पेड़ उत्फुल्ल दिखते हैं। खोलती हूँ तो पेड़ को लहलहाते देखती हूँ, चिड़ियों की चहचहाट देखती हूँ, जो कि विलीन हो गया था, पक्षियों की चर्चा सुने कितनी जमाने बीत गए थे ऐसा लगता है, और फिर एक शांति का माहौल भी दिखता है। बाहर देखिए तो ऐसी शांति हुई है, इस अशांति के कारण हमने उनको डिस्टेंस किया, हमने अपनी दूरी बनाई, तो उनके अंदर उनकी दुनिया इतनी आबाद हो गई, नदियां स्वच्छ हो गई, वातावरण स्वच्छ हो गए, हम बिहार से हिमालय पर्वत देख रहे हैं। यह तो असंभव सी कल्पना थी, हम बिहार में बैठ के हिमालय पर्वत देखें, और यहाँ से भी संभव हो गया, इतनी स्वच्छ वायु हो गई, इतनी स्वच्छता हो गई। तो ऐसा तो दुर्लभ यह समय है जिसको बहुत नकारात्मकता में हमारी भारतवर्ष की जीवन शैली और हमारे संस्कार कहते हैं नकारात्मकता देखना। हम देखते हैं उस नकारात्मकता में कैसी समझ, कैसी दुनिया, कैसी पवित्रता हमें भावनात्मक स्थल पर या फिर अपने कामों में भी हमारी जो काम करने वाली दाई है वो फोन करके पूछती है कि दीदी कैसी, दिल भर आता है कि आज उसको मेरी चिंता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ तो मैं कैसे जी रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, उसकी चिंता वह काम वाली कर रही है, वो करके हाल चल रही है, कितना भाव करने वाला क्षण है, चिंता कर रहे हैं। ऐसे भी मैंने जो एक विश्व मानवता की बात मैं रखना चाहूँगी, तो भारतवर्ष की संकल्पना थी, आज विश्व मानवता जैसे कि सांस लेने लगी है, हम मरते मरते एक दूसरे का हाथ कांपते हैं, और रखना है इस ज्योति को प्रज्वलित कि हम इस समय की भोग लेंगे, पी लेंगे, झेल लेंगे और एक नया समय बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे, और उस दुनिया में, उस नई दुनिया में कैसा समाज होगा, कैसा राष्ट्र होगा, अभी से बहुत विशाल होगा। हम भारतवर्ष के लोग जो मूल्य देते थे वो मूल्य आज विश्व अपना रहा है, हमारी जीवन शैली, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, नमस्कार कहने में, नमस्ते कहने में जो हमारा नमन है वह उन्होंने महसूस किया कि दूर से कितना पवित्र भाव अभिव्यक्त हो सकता है, वह सब अभिव्यक्त हो रहा है। हम अपनी चीजें लेकर विश्व में, मोदी जी ने कहा कि प्रतिनिधित्व करने का समय है, तो हम प्रतिनिधित्व करने निकले हैं और महसूस करते हैं कि हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली विश्व में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक जीवन शैली है,
और इस जीवन शैली को अपना कर पुनः निर्माण करेगा, ज्योति से ज्योति जलेगी। हम फिर से संपूर्ण विश्व मानवता की बात करेंगे। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इन्हीं विषय पर मैंने अपना शोध निबंध भेजा है और इसमें कुछ विस्तृति लाई है प्रभावों के संदर्भ में, लेकिन वाचन में उन चीज़ों को नहीं ला सकती थी और करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने छोटी में अपनी भावनाएं रखी हैं। समक्ष खत्म किया, धरातल पर अपना शोध तैयार किया था, तो इसी तरह इस यह